अस्सलाम वालेकुम टी टीवी टुडे डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आमना ताहिर आप ने लोगों की आदतें तो देखी होंगी कि किसी को सोते हुए ऊंचे-ऊंचे खराटे लेने की आदत होती है किसी को बैठे हुए सोने की आदत होती है किसी को तरह तरह की आदतें होती हैं नाखून खाने की आदत होती है या दांत चबाने की आदत होती है इस तरह की बहुत सी आदतें पाई जाती हैं लोगों में जो आ, लोग समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से ही करते हैं लेकिन एक ऐसी आदत यूनान के एक शहरी की देखी गई है जो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों ये आदत अपना चुका हूँ या मैं ये क्यों हरकत करता हूँ वो आदत ऐसी है कि वह अपने पड़ोसियों की बालकनी में जाता है वहाँ पर रखे हुए जूतों को सूंघता है जी हाँ ये यूनान का एक शहरी है जो अपने पड़ोसियों के घरों के में एंटर करता है दीवारों से छलांग लगाता है और उसके बाद जाकर उनके जूते सूँगता है कई बार उसको इस तरह की हरकत करते हुए देखा गया है लेकिन उसके एक पड़ोसी ने उसको इस हरकत पर गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि आप वहां पर बग़ैर किसी की इजाज़त के किसी के भी घर में दाखिल नहीं हो सकते और जब उसके पड़ोसी को उसकी इस आदत का पता चला और ये देखा गया कि वो बग़ैर इजाजत के उनके घर में एंटर हो गया है और बा बाहर पड़े जो जूते थे उनको सूँग रहा है तो ये हरकत उसके पड़ोसी को कुछ आ, अच्छी मालूम नहीं हुई और गैर मामूली उसने ये चीज़ समझी और उसके बाद उसको गिरफ़्तार करवा दिया गया जब पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि वह ख़ुद भी नहीं जानता कि वो ये हरकत क्यों करता है और ये आदत उसमें कैसे आ गई है उसने हुकूमत से भी ये दरख्वास्त की है और अदालत से भी यह दरख्वास्त की है कि उसकी इस आदत का पता लगवाने के लिए उसको फुल सपोर्ट किया जाए उसकी इस आदत को छुड़वाने के लिए उसको फुल सपोर्ट किया जाए उसका इलाज करवाया जाए ताकि वो इस तरह की शर्मिंदा कर देने वाली हरकतों से बच सके और इस तरह की आदतों से दूर रह सके इसके बाद उसको एक माह की सज़ाए कैद भी सुनाई गई है जहाँ पर वो अभी इस वक्त जेल में है और आ, कहा ये जा रहा है कि वो यही दरख्वास्त कर रहे कि उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए उसकी मदद की जाए क्योंकि वो ख़ुद भी बार बार इस आदत की वजह से बहुत शर्मिंदा होता है ये लोगों के अंदर अलग अलग तरह की आदतें अपनाई जाती हैं लेकिन ये खुद ब खुद इस तरह की आदत आ जाना ये किसी बीमारी की ही इलामत होती है और उम्मीद यही है कि उसकी हकूमत उसकी मदद करेगी और उसको अपनी इस बीमारी से बचाने में काफ़ी मदद करेगी इस तरह की आदतें शुक्र ये है कि उसको बचा लिया गया है और उसको सिर्फ और सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है ना कि उसके ऊपर कोई बड़ा मुकदमा कर दिया गया है या ये आदत बढ़ती बढ़ती वो कोई नुकसान की तरफ भी जा सकती थी ऐसा नहीं हुआ लेकिन ये पहली बार ही सुनने में आया है कि लोगों के जूते सूंघना ये आदत किसी के अंदर पाई जाती है यहाँ पर तो लोग जूतों से कोसों मील दूर जाते हैं कि स्मेल आती है इसलिए हम किसी के जूतों के करीब नहीं जाएंगे और लोग इससे अपनाने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं अपने ही जूतों को हाथ लगाते हुए इंसान सो बार सोचता है लेकिन आ, वो दूसरों के जूते इस तरह सूँग रहा है ये काफ़ी हैरान बात है अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगा कीजिएगा हाफिज़